मैं वैभव कुलश्रेष्ठ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। इस लेक्चर सीरीज में हम मिडाइवल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा एनसीईआरटी को 250 क्वेश्चंस में जो भी मुख्य मुख्य जानकारी है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मिडाइवल हिस्ट्री में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल, उससे संबंधित पहला प्रश्न है, जिससे आपको 5 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है, इस संघर्ष का, जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसका मुख्य कारण था आगरा शहर पर कब्जा करना, जो कि एक सिंबल था सोवरेनिटी अर्थात संप्रभुता का। सेकंड, पाल राष्ट्रकूट प्रतिहार, ये इसमें सर्वोच्चता के लिए इस संघर्ष में शामिल हुए थे। तीसरा है, भारत के संबंध में जो पाल राजा थे जिन्होंने इसमें भाग लिया वो उत्तर में रहते थे। और फोर्थ है, जो प्रतिहार है वो पूर्व में रहते थे, पूर्वी भारत में। और पांचवा है, राष्ट्रकूट ये दक्कन भारत में रहते थे। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो बेसिकली आगरा के लिए नहीं, कन्नौज सिटी के लिए हुआ था, इसलिए पहला कथन तो आपका गलत है। दूसरा, पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहार इन तीनों के मध्य युद्ध हुआ था कन्नौज को लेकर, तो दूसरा कथन आपका सत्य है। तीसरा है, जो पाल राजा थे वो उत्तर भारत में रहते थे, तो ये गलत है। पाल आपके बंगाल साइड में रहते थे अर्थात ईस्टर्न इंडिया में रहते थे, जो प्रतिहार थे वो उत्तर भारत के रहने वाले थे। और पांचवा आपका कथन सत्य है कि राष्ट्रकूट राजा डेक्कन में रहते थे, दक्कन जो दक्षिण भारत का भाग है, दक्कन प्लेटू। तो 2 और 5 इसमें सही है और इसमें आपका सी ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजाओं से संबंधित है। पहला, पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी 950 AD में, 950 ईस्वी में। सेकेंड, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पाल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, तो दोनों ही कथन इसमें सही नहीं है, क्योंकि गोपाल ने पाल साम्राज्य को स्थापित किया था वो 750 AD में किया था, न कि 950 AD में, तो इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, न कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहारों से संबंधित है। तो इसमें पहला है, जो प्रतिहार थे वो साउथ वेस्ट राजस्थान से थे। सेकेंड, मिहिर भोज इस राजवंश के संस्थापक थे। तीसरा है, प्रतिहारों के शासक में से एक ने आदि विराह की उपाधि भी धारण की थी। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इस राजवंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रतिहार, और मिहिर भोज वो राजा थे प्रतिहारों में जिन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, तो इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन राष्ट्रकूटों से संबंधित है। इसमें पहला है, दंत दुर्ग ने इस राजवंश की स्थापना की थी, वो संस्थापक था। सेकेंड, राष्ट्रकूटों में एक राजा था जिसने कविराज मार्ग नाम का एक ग्रंथ लिखा था। थर्ड है, कृष्ण प्रथम ने अजंता में कैलाश के प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर एक मंदिर का निर्माण किया था। तो पहला और दूसरा कथन इसमें सही है, तीसरा कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि कृष्ण प्रथम ने कैलाश के प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर एक मंदिर का निर्माण किया जो कि कैलाश टेम्पल कहलाता है, वो बेसिकली अजंता में नहीं बल्कि एलोरा में उन्होंने निर्माण कराया था। एलोरा की पर्वतों को उसको काटकर कैलाश टेम्पल बनाया था कृष्ण प्रथम ने, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट इसलिए ठीक नहीं है, तो आपका सही है ए आंसर 1 और 2। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसमें पहला कथन है, उत्तर भारत पर मुस्लिम शासक की राजनीतिक संस्थापना के संबंध में चंदावर की लड़ाई का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। सेकेंड, प्रसिद्ध विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो चंदावर का युद्ध हुआ था उससे मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति की स्थापना हुई थी, और जो विजय स्तंभ है उसे राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, तो आंसर होगा आपका सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है राजपूताना साम्राज्यों से संबंधित। तो पहला है, राजपूतों ने मंदिर और किले बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सेकेंड, कास्ट सिस्टम हर एक पीरियड में एक बहस का मुद्दा बन के रही, लेकिन अगर इस बात राजपूतों के साम्राज्य की बात करते हैं तो राजपूतों के राज्य में जाति व्यवस्था काफ़ी कठोर थी। थर्ड है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर
और लिंगराज मंदिर इस अवधि में बनाया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका आंसर होगा डी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है राजपूतों के पतन से संबंधित है, तो इसमें पहला है कठोर जाति व्यवस्था, कमजोर सैन्य संगठन, एकता की कमी, दूरदर्शिता की कमी। और इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए इन चारों में से कौन से वो कारण थे जिसके कारण राजपूतों का पतन हुआ। तो ये चारों ही कारण थे, इसलिए आपका आंसर होगा सी 1, 2, 3, 4, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला प्रश्न है मध्ययुगीन इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम में जो साउथ इंडिया के राज्य थे उनके बारे में आपको कथन दिए गए हैं। तो राजराज उन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, वो संस्थापक थे चोल साम्राज्य के। सेकंड, चोल साम्राज्य के एक शासक थे जिन्होंने अंडमान निकोबार पर भी अपनी विजय प्राप्त की थी। तीसरा, राजेंद्र थर्ड एक राजा थे जो चोल डायनेस्टी के अंतिम शासक थे। तो इसमें पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि जो चोल एम्पायर के फाउंडर थे, संस्थापक थे, उनका नाम था विजयला, ना कि राजराज। और सेकेंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। सेकेंड में जो राजेंद्र प्रथम राजा थे चोलों में, उन्होंने अंडमान निकोबार पर अपनी विजय प्राप्त की थी। और तीसरा कथन भी सही है कि चोल डायनेस्टी का अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय। तो आपका आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी आंसर है। अगला क्वेश्चन चोल साम्राज्य के प्रशासन से संदर्भित है। पहला है, चोल साम्राज्य के प्रशासन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक स्पेशल फीचर था, बल्कि वो यूनिक फीचर था इस काल का, जो यही मिलता था। सेकेंड, प्रत्येक साम्राज्य के पास धन के विभिन्न प्रकार के स्रोत होते थे, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व या व्यापार कर। तो चोल साम्राज्य के लिए भी भू राजस्व और व्यापार कर आय का प्राथमिक स्रोत होता था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं आपके, और आपका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है आपका चोल साम्राज्य से संदर्भित है। सबसे पहला है, जो भगवान शिव की नटराज मूर्ति है वो इसी काल में बनी थी, जो कि काफ़ी फेमस है। सेकेंड, प्रत्येक साम्राज्य की जो वास्तुकला होती है उनमें कई प्रकार की अनूठी विशेषताएं होती हैं, उसी तरह द्रविड़ प्रकार की वास्तुकला इस अवधि के दौरान अपनाई गई थी। तीसरा है, दक्षिण साम्राज्य के संबंध में कम्बन तमिल पोएट्री के तीन रत्नों में से एक थे। तो कम्बन एक कवि थे, तो तमिल पोएट्री के जो थ्री जेम्स हैं, त्रिरत्न हैं, उसमें कम्बन, कुट्टाना, पुंगलेदी, इन तीन के नाम आते हैं। तो इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इसमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसमें पहला कथन है, होयसल और गहलोत ये साउथ किंगडम थे, अर्थात ये दक्षिण भारत के साम्राज्य थे मिडावल हिस्ट्री में। सेकेंड, गोपुरम और गर्भगृह दक्षिण राजवंश की बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संरचना थी। तीसरा है, होयसलेश्वर का जो मंदिर है वो होयसल कला की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो गहलोत हैं वो राजस्थान के हैं, जो आपका मेवाड़ वंश है उसके जो सबसे पहले संस्थापक थे वो गोहिल राजा थे। जबकि दक्षिण के जो महत्वपूर्ण साम्राज्य थे इन मिडाइवल हिस्ट्री, तो वो आपके काकतीय, यादव, होयसल, चालुक्य, ये सारे लोग थे। तो इसलिए आपका पहला करेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान या फिर सल्तनत काल से संदर्भित है। तो इसमें पहला है, महमूद गजनवी के आक्रमण को पहले मुस्लिम आक्रमण के रूप में माना जाता है। सेकेंड, मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में आक्रमण किया था और भारत में मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित किया उसने। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को सबसे पहला मुस्लिम आक्रांता माना जाता है, ना कि महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उसको भारत पर पहला तुर्की आक्रमण माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इस तरीके से गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में लगातार तुर्की आक्रमण होते रहे। भारत में तुर्कों की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताइए कि क्या कारण था कि तुर्कों को सफलता मिली। तो पहला है, भारत में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। दूसरा, राजपूत आपस में लड़ते रहते थे। तीसरा,
राजपूतों को, राजपूतों के जितने भी साम्राज्य थे वो अलग अलग छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, और दूसरी बात उनमें एकता भी नहीं थी। फोर्थ है, जब तुर्क ने भारत पर इन्वेजन किया, इन्वेड किया, तो उस वक्त वो वेल ऑर्गेनाइज थे, सुसंगठित थे। तो ये चारों कारण ही सही हैं और आपका इसमें आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से ही संबंधित है, संदर्भित है। इसमें पहला कथन है, दिल्ली सल्तनत की अवधि चार राजवंशों में विभाजित थी, जिसमें 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी की अवधि के दौरान शासन किया था। दूसरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। तीसरा है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का दास था, और उसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि से ही हुई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये तुर्की से ही आया था और मोहम्मद गौरी का दास था। भारत में इसकी कोई ओरिजिन नहीं हुआ था, भारत में इसका कोई जन्म नहीं हुआ था, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाता है। सेकेंड आपका करेक्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम राजवंश की स्थापना की थी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की अवधि को पांच भागों में बांटा गया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इस तरीके से पांच भागों में विभाजित है, न कि चार में। तो इसलिए आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम राजवंश से संस्थापक किस प्रकार संदर्भित है। तो पहला है, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा इस अवधि के दौरान बनी दो मस्जिद थी। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की शासक का दास था और उसने इस अवधि के दौरान किसी भी लेखक को संरक्षण नहीं दिया था क्योंकि वह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद युद्ध में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। तो इसमें पहला कथन आपका सही है, सेकेंड कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई राइटर्स को, कई जो साहित्य और कला के प्रेमी थे उनको संरक्षण दिया था, जैसे एक थे हसन उन निज़ामी। तो इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आंसर होगा आपका ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन भी आपके गुलाम राजवंश से ही संबंधित है। पहला, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलाम राजवंश के असली संस्थापक के रूप में माना जाता है क्योंकि उसने मंगोलों, चंगेज जो मंगोल आया था चंगेज खान, उससे दिल्ली की रक्षा की थी। सेकेंड, इल्तुतमिश अपनी अलग अलग कार्रवाई के लिए जाना जाता है और उसने लाहौर को दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। तीसरा, इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से लाके दिल्ली बनाई, न कि दिल्ली से लाहौर लेके गया। तो इसलिए आपका सेकंड करेक्ट नहीं है। तो पहला तीसरा आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की अवधि के दौरान शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इल्तुतमिश ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में कई सुधार किए। सेकेंड, जितने भी सिविल सर्वेंट्स और सिपाही थे उनको केंद्र के द्वारा रिक्रूट किया जाता था इस काल में। थर्ड है, इसने एकता प्रथा को प्रचलित किया। फोर्थ है, जितने भी सिविल सर्वेंट और सिपाही थे उनको सैलरी नहीं दी जाती थी सेंटर से, बल्कि उनको एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन से पेमेंट मिलता था। जहाँ कहीं भी उनकी नियुक्ति की जाती थी वहाँ उनको रेवेन्यू अपना कलेक्ट करना होता था और कुछ भाग केंद्र को भेजना होता था और कुछ भाग वो खुद अपने पास रखते थे, तो वही उनकी सैलरी भी होती थी, जो कि गलत बात है। तो आपका 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है, जितने भी सिविल सर्वेंट और सोल्जर्स थे इल्तुतमिश के उनको सेंटर द्वारा सैलरी दी जाती थी, तो इसलिए आपको 4 हटा दीजिए, आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको चुनना है। जो विपक्षी राजकुमार या सिंहासन के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारों में जो ऑप्शंस बन जाते थे क्योंकि राजा के कई सारे पुत्र थे, उनमें से कौन शासक बनेगा इसमें कोई ये निश्चित नहीं था कि बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा। तो विपक्षी राजकुमारों की शक्ति को कुचलने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के एक समूह का गठन किया जो सुल्तान के लिए प्रशासन के हर क्षेत्र में उसकी सहायता करते थे। इसे चहलगामी या चालीसा कहा गया। सेकेंड, इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। और तीसरा है, इसने प्रशासन में कई सुधार किए लेकिन राइटर्स, ऑथर्स इनको संरक्षण नहीं दिया। इसमें पहला और दूसरा कथन आपका सही है, थर्ड इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसने
कई राइटर्स और ऑथर्स को संरक्षण दिया था, संरक्षण समाप्त नहीं किया था, इसलिए तीसरा हटा दीजिए। वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है और इसमें कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए ए में यहाँ पे वन एंड टू मान लीजिए, तो आपका ए आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के जो सुधार किए गए इल्तुतमिश के द्वारा उससे संदर्भित है। पहला, इल्तुतमिश वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के पेश किए थे, चलाए थे। इस सिक्के को कहा जाता था टका। सेकेंड है, टका गोल्ड और सिल्वर से बना होता था। तीसरा है, इल्तुतमिश ने जो अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको कैश पेमेंट देने की जगह जागीरें दे दी थी कि जागीरों से आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, वो आपकी सैलरी है। फोर्थ, इल्तुतमिश की अवधि के दौरान दिल्ली का दरबार कला, शिक्षा, साहित्य इसका केंद्र बन गया था और इल्तुतमिश को वास्तुकला से बहुत ज़्यादा लगाव था। पाँचवा है, चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। तो आपके ये पांचों ऑप्शंस करेक्ट हैं। आपका आंसर होगा सी, 1, 2, 3, 4, 5। जो सिक्के चांदी के बने थे उसे टका कहते हैं, कॉपर कॉइन जो थे इसके टाइम में उसे जीतल कहते थे, और जो सोने के सिक्के बने होते थे सोने और चांदी से उनको कहते थे टैंक। तो ये टैंक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। रजिया सुल्तान भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला नहीं थी क्योंकि इससे पहले तुर्की मुस्लिम महिला ने कुछ समय के लिए भारत पर शासन किया था। दूसरा, रजिया सुल्तान ने अपने अमीरों पर अपने दास याकूत को वरीयता दी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पे भारत पर शासन करने वाली पहली महिला थी और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसने अपने दास याकूत को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी अपने अमीरों से, इसी कारण से इनका मर्डर भी कर दिया गया था। तो सही आंसर है बी, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन गुलाम राजवंश से ही है। पहला है, बहराम शाह को इस राजवंश के केवल नाम मात्र के शासक के रूप में जाना जाता है। सेकेंड, इस वंश के शासकों में से किसी एक को बहुत धार्मिक और महानता के कारण दरवेशी राजा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो इल्तुतमिश का बेटा था उसको दरवेशी राजा के नाम से जाना जाता था और बहराम शाह को केवल नाम मात्र के शासक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके टाइम में एक मिस्टर नाइब इमालकत थे जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, वास्तव में वो शासक था, ये तो सिर्फ नाम मात्र के शासक थे। इसलिए आपका आंसर होगा सी, बोथ। अगला क्वेश्चन है, गुलाम राजवंश का एक और राजा हुआ गयासुद्दीन बलबन। तो इसने सल्तनत की अधिक स्थिरता के लिए चालीसा के नाम से जाने जाने वाले गुलामों के जो आधिकारिक संस्था थी उसको बनाए रखा। सेकंड, बलबन ने गुप्त जानकारी को निकालने के लिए स्पाइज नियुक्त किए, जासूस नियुक्त किए। तीसरा, मंगोलों से गंभीर खतरे को रोकने के लिए बलबन ने एक केंद्रीकृत सेना भी बनाई। तो इसमें सेकेंड थर्ड करेक्ट है, पहला करेक्ट नहीं है क्योंकि बलबन ने जो चालीसा थी इसको तोड़ दिया था, इसको नष्ट कर दिया था, इसलिए आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी गयासुद्दीन बलबन से संबंधित है। इस अवधि के दौरान इसने दीवाने अर्ज नामक एक मंत्रियों का विभाग बनाया था जो विदेशी और घरेलू व्यापार के मामलों को देखता था। दूसरा, सजदा और पाबोस इनके प्रशासन के दौरान एक अनूठी पहल चलाई गई थी, सजदा और पाबोस। तो आपका सेकेंड तो करेक्ट है, पहला करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट था वो एक सैन्य विभाग था, न कि फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रेड से रिलेटेड था। तो इसलिए पहला, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, गुलाम राजवंश के टाइम में जिल्ले इलाही शब्द किसको संदर्भित करता है? सुप्रीम गॉड, शेडो ऑफ गॉड, हु यूज टू गिव लैंड टू प्रीस्ट, और क्रूअल किंग। तो जिल्ले इलाही कहा जाता था पर्टिकुलर राजा को, और राजा को कहा जाता था कि ये ईश्वर की शेडो है, शेडो ऑफ गॉड है। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम राजवंश का अंत के संदर्भ में आपको कथन दिए है, सही कथन का चुनाव करना है। कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था जिसको खिलजी परिवार के द्वारा मार दिया गया। सेकेंड, कैकुबाद गयासुद्दीन बलबन का पुत्र था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड में जो बताया गया है कि वो बलबन का पुत्र था, बल्कि वो बलबन का नाती था, ना कि पुत्र,
जिसको खिलजी के द्वारा, खिलजी फैमिली के द्वारा, खिलजी वंश के द्वारा मार दिया गया। इस प्रकार से पहला आपका आंसर करेक्ट होगा, ओनली वन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है खिलजी राजवंश से संबंधित। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस राजवंश की स्थापना की थी। सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के पहले अफगान सुल्तान थे जिन्होंने राजनीति से धर्म को अलग किया था। तीसरा, अलाउद्दीन ने घोषणा की कि शासन किसी संबंध को नहीं मानता। तो फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, वो था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, न कि अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड, ये तुर्की के सुल्तान थे, फर्स्ट तुर्किश सुल्तान थे, न कि अफगान सुल्तान, तो इसलिए सेकंड भी आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड आपका करेक्ट है, इसलिए सी आंसर है आपका, ओनली थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए इसके द्वारा, वो कौन कौन से थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन के दौरान पाबोस, दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। सेकंड, इसने ज़मीन की एक नियमित जांच और नियमित माप भी कराई ताकि राज्य का हिस्सा तय किया जा सके। थर्ड, किसानों को भू राजस्व के रूप में उपज का एक निश्चित भुगतान करना होता था, लैंड रिवेन्यू के तरीके से। तो इसने दाग और चेहरा प्रणाली को तो आरंभ किया था, पाबोस को इसने आरंभ नहीं किया था, पाबोस को गयासुद्दीन बलवन ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है, खिलजी डायनेस्टी ने जो सुधार किए थे, जो उसमें पहला स्टेटमेंट था दाग और चेहरा, वो क्या है। दाग मतलब डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का क्या क्या किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता था, उसको लिखा गया। चेहरा, जो हॉर्स थे, घोड़े थे, उन पर मोहर बंदी लगा दी गई। तो ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही उल्टे लिखे हुए हैं। दाग का मतलब घोड़े को दागा जाता था, एक मोहर लगा दी जाती थी और ब्रांड कर दिया जाता था कि ये शासन के घोड़े हैं। तो इस प्रकार से घोड़ों का रजिस्टर किया जाता था। जो सैनिक थे उनको, उनका जो चेहरे की हाव भाव था उसको लिखा जाता था कि पर्टिकुलर सोल्जर, क्योंकि उस वक्त कैमरा होता नहीं था जो कि फ़ोटो लगाया जा सके पासपोर्ट साइज़ का, तो उनके चेहरे और उनके बॉडी की जो भी हाव भाव होते थे उसको लिखा जाता था, वो चीज़ हो गया चेहरा। तो इस प्रकार से सैनिक और घोड़ा दोनों रजिस्टर हो जाते थे उनके रजिस्टर में, और फिर उनको सैलरी वगैरह दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है खिलजी डायनेस्टी से संबंधित। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए और जो कुछ अध्यादेश लागू कराए, तो उसके बारे में आपको तीन कथन दिए, चार पांच कथन दिए गए हैं। कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है धार्मिक अक्षय निधि और भूमि के मुफ्त अनुदान की जब्ती। दूसरा, जासूस प्रणाली। तीसरा, शराब के उपयोग को प्रतिबंधित करना। चौथा, रईसों को सामाजिक सभा आयोजित करने की परमिशन नहीं है। पांचवा, जो नोबल्स हैं अर्थात रईस हैं, उनको अलाउद्दीन खिलजी की परमिशन के बिना अंतर विवाह करने की मनाही है। तो ये पांचों ही उनके द्वारा अध्यादेश लाए गए थे, तो इसलिए आपका आंसर होगा ई, 1, 2, 3, 4, 5, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला है खिलजी डायनेस्टी में एक टर्म था मुस्तखराज, वो किसको संदर्भित करता है। तो मुस्तखराज का मतलब है स्पेशल ऑफिसर हु यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू, जो राजस्व का संग्रहण करता था वो विशेष अधिकारी मुस्तखराज था। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी से संदर्भित ही है, शाहना शब्द किस चीज़ को इंकित करता है, किसको रेफर करता है। वह अधिकारी जो बाजार की उपयोगी वस्तुओं की कीमतों की जांच करे, उसे शाहना कहा जाता था। तो आपका ए आंसर होगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला उसमें स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत ही यूनिक तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन करने का, जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता था। तो उसमें वो क्या करता था कि सभी आवश्यक वस्तुओं की लागतों को फिक्स कर दिया था, अब वो ना बढ़ सकते हैं उसके रेट, ना घट सकते हैं। सेकेंड, फूड ग्रेन्स, क्लॉथ और हॉर्सेस, इनके अलग अलग मार्केट होते थे और वो खुद इनको रेगुलर बेसिस पे चेक करता था। तो दोनों ही इसमें आपके ऑप्शन करेक्ट हैं, आंसर होगा सी। अगला कथन है सराय अदल टर्म किसको संदर्भित करता है। तो इसका मतलब है, सराय अदल मतलब जो माल बिक्री के लिए खुला बाजार है, ओपन मार्केट फॉर गुड सेल्स। तो आपका ए आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है तुगलक राजवंश से संदर्भित। मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच में दोआव कर लगाया और इसी के साथ साथ उसने घड़ी और हाउस टैक्स, जो हाउस टैक्स था उसे घड़ी कहा जाता था, इसको भी ऐड किया। सेकंड है, उसने चराही और चरागाह कर, पॉस्चर टैक्स, ये भी लगाया।
तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग बनाया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है तुगलक राजवंश से संदर्भित एक टर्म है अब्बावस, अब्बावस वो क्या है? अब्बावस एक सेस है, सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाया गया था, तो आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है तुगलक डायनेस्टी से संदर्भित ही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया था, उसका कारण था संसाधनों का एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण हो चुका था। सेकंड, देवगिरी का दूसरा नाम दौलताबाद था, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत पर कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था और देवगिरी का दूसरा नाम था दौलताबाद, तो आपका आंसर होगा इसमें बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक से संदर्भित, मोहम्मद बिन तुगलक को मैन ऑफ आइडियाज़ के नाम से भी जाना जाता है और मध्ययुगीन भारत के सबसे आक्रामक सुल्तानों में से इसे एक माना जाता है। सेकेंड, इसने टोकन मनी का विचार भारत के पड़ोस में जो चीन देश था उसमें अपने समकालीन कुबलई खान के द्वारा जारी कागजी मुद्रा से कॉपी किया था, तो टोकन करेंसी भी इसने जारी की थी। थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पेश चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था, तो इसमें तीसरा करेक्ट नहीं है, जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसको अदल कहा जाता था न कि टका। बाकी पहले और दूसरे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है तुगलक वंश के टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। पहला, मदुरई स्वतंत्र हो गया था, दूसरा वारंगल स्वतंत्र हो गया था, तीसरा विजयनगर की स्थापना हुई थी, चौथा जो दुखी अमीर लोग थे उन्होंने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया, पाँचवा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, तो ये पाँचों ही कार्य हुए थे तुगलक वंश की अवधि में, तो इसलिए आपका स्टेट कौन सा आंसर सही होगा, बी, 1, 2, 3, 4, 5 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसी से संदर्भित है। पहला, मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण भारत पर नियंत्रण करने में विफल होने के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने दक्षिण भारत पर अपने अधिकार को दोबारा स्थापित करने का प्रयास आरम्भ किया था। दूसरा, उसने एक ऐसी पॉलिसी को अपनाया जिसमें जो उसके नोबल अर्थात अमीर थे अगर वो मर जाते हैं तो उनके पुत्र उनकी जगह पर आ जाएंगे, लेकिन जो उनको एकता मिला हुआ था वो उसको धारण नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर किसी नोबल का कोई पुत्र नहीं है तो उसका सन-इन-लॉ या फिर उसका कोई दास उसकी जगह पर आ सकता है, वो उत्तराधिकारी बन सकते हैं, तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जब मोहम्मद बिन तुगलक साउथ इंडिया पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिरोज शाह ने उसके बाद सोचा भी नहीं, इसलिए पहला गलत है। सेकंड, फिरोज शाह तुगलक ने पॉलिसी अपनाई अगर कोई अमीर है अर्थात नोबल मर जाता है तो उसका पुत्र उसकी जगह ले लेगा, वो उसका उत्तराधिकारी होगा और उसका एकता भी उसको मिलता रहेगा, तो इसलिए सेकंड भी गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एकता को मना कर दिया गया है इस स्टेटमेंट में, तो इसलिए दो स्टेटमेंट आपके गलत हो गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है, तो आंसर है आपका डी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, तुगलक वंश की अवधि के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने सेना में आनुवंशिकता के सिद्धांत का विस्तार किया, स्प्रेड किया। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बेहतर प्रशासन के लिए सैनिकों को नकद भुगतान दिया जाता था, तो पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, आंसर है केवल वन, और फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों के नकदी में भुगतान नहीं किया था, उसने एक निश्चित गांव दे दिए, उनसे रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो उनकी सैलरी होती थी। अगला क्वेश्चन है उसमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं, फिरोज शाह तुगलक उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं जिसमें रूढ़िवादी धर्मविदों को गैर इस्लामी माना जाता था। सेकेंड, फिरोज शाह तुगलक ने जो संत थे उनकी कब्रों को पूजा करने वाली वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करने जाने वाली मुस्लिम महिलाओं के अभ्यास को प्रतिबंधित कर दिया था। थर्ड, गयासुद्दीन तुगलक की अवधि के दौरान जजिया एक अलग कर बन गया था, तो पहला और दूसरा इसमें करेक्ट है, थर्ड इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की अवधि के दौरान जजिया एक अलग कर बना था, ना कि गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में।
तो इसलिए ए आंसर इसका होगा। अगला कथन क्वेश्चन है आपका, तुगलक वंश की अवधि के दौरान फिरोज शाह तुगलक की नीति के संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, चूंकि एग्रीकल्चर एक सोर्स होता है वेल्थ का, कई राज्यों में ऐसा है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की पॉलिसी को निग्लेक्ट कर दिया और उसने कृषि को बढ़ावा नहीं दिया। सेकंड, फिरोज शाह तुगलक को एक महान निर्माता माना जा सकता है क्योंकि इसने फतेहाबाद और हिसार का निर्माण किया था। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि उसने सिंचाई की नीति पर बहुत ध्यान दिया था, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था, इनक्रेज किया था, तो इसमें बिल्कुल उलट बात लिखी हुई है, तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है तुगलक राजवंश के बारे में ही, दीवाने खैरात किस चीज़ को रेफरेंस करता है, संदर्भित करता है? तो ये है वो विभाग जिसने गरीब लड़कियों के विवाह के लिए प्रावधान करने होते हैं। तो आपका आंसर होगा ए। अगला है, फिरोज शाह के शासनकाल में कुरान के अनुसार कई कर लगाए गए, तो आपको बताना है कि कौन सा सही मैच है या नहीं है। खराज मतलब संपत्ति पर कर, जकात मतलब जमीन के उत्पादन पर कर, जजिया गैर मुसलमानों पर कर, खम्स अर्थात युद्ध के दौरान जो कब्जा करके लूट ली जाती थी धन को, वो सारे चीज़ें इसमें खम्स में आती हैं। तो इसमें पहला और दूसरा आप करेक्ट नहीं है, तीसरा चौथा करेक्ट है, क्योंकि खराज मतलब ये स्वैप कर दिए गए हैं। खराज का मतलब है टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ लैंड और जकात का मतलब है टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। तो यहाँ आंसर होगा आपका 3 और 4, सी आंसर है इसका। अगला है, तुगलक वंश की अवधि के दौरान कुरान द्वारा स्वीकृत कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खराज भूमि कर था जो कि भूमि के उपज के 1/10 के बराबर था और जकात 2% है टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, संपत्ति पर 2% कर जकात था। खम्स युद्ध के दौरान कब्जा जो की जाती थी लूट के धन से या संपत्ति, उसका 1/5 राज्य को हिस्सा जाता था, उसे कहते थे खम्स। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें पहला है, राजधानी को स्थानांतरित करना उसी तरीके से एक बड़ा फैसला था जिस तरीके से सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। सेकंड, सिकंदर लोदी को मंदिरों का विनाशक के रूप में जाना जाता है, उसने नगर कोट में ज्वालामुखी मंदिर था उसकी मूर्ति को तोड़ दिया था। थर्ड, सिकंदर लोदी हमेशा मंदिरों को नष्ट करने और युद्धों में व्यस्त रहता था, इसलिए उसने कभी भी कृषि की जो क्रियाएं थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ उनको प्रोत्साहित नहीं किया था। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सिकंदर लोदी ने कृषि कार्यों को बहुत ही बढ़ावा दिया था। तो आपका आंसर होगा ए। अगला है, गजे सिकंदरी ये क्या रेफरेंस है, किस चीज़ को अर्थात इसको किसने, निम्न में से कौन से शासक ने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था, चलाया था? तो वो थे आपके सिकंदर लोदी, बी आंसर है इसका। तो गजे सिकंदरी एक भूमि को नापने की यूनिट होती थी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश की अवधि के दौरान सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, सिकंदर लोदी को कविता में रुचि नहीं थी। सेकंड, सिकंदर लोदी कट्टरपंथी मुस्लिम माना जाता है। तो सेकंड आपका करेक्ट है, पहला करेक्ट नहीं है क्योंकि सिकंदर लोदी एक कवि था और वो गुलरुख के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी से संदर्भित। पहला स्टेटमेंट है, वो दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे। दूसरा, उसने अपनी शक्ति का दावा किया और अपने अभिजातों के बजाय खुद में ही सबसे ज़्यादा खुद के पास उसने शक्ति रखी, अर्थात सेंट्रलाइज्ड पावर करके रखा उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तीसरा है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये तीनों ही आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन से संदर्भित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। सल्तनत और लोगों के बीच अविश्वास। सेकंड, उत्तराधिकार का कोई निश्चित कानून नहीं था। तीसरा, कुलीनों की अंदर लालच बढ़ गया था और वो इस लायक भी नहीं थे कि उसके ऊपर शासन कर सकें, तो वो अक्षम थे। तो ये तीनों ही आपके सही कथन हैं, इसी कारण से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन भी दिल्ली सल्तनत के पतन से संदर्भित है। पहला है,
सैन्य संगठन बहुत कमजोर था, दूसरा खजाने पर बोझ बढ़ गया था क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान दासों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई। इस वक्त लगभग 1,80,000 स्लेव्स बढ़ गए थे। थर्ड, तैमूर दिल्ली सल्तनत के पतन के कारकों में से भी एक था। तो ये भी तीनों आपके सत्य हैं, तो आंसर होगा इसका डी। अगेन, दिल्ली सल्तनत के पतन से संदर्भित एक और क्वेश्चन। वित्तीय प्रशासक द्वारा एक कमजोर वित्तीय प्रशासन था दिल्ली सल्तनत। सेकेंड, इस वक्त जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, कम्युनिकेशन के जो साधन थे वो भी एक कारक था जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। तो ये दोनों कथन भी आपके सत्य हैं, आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में काफ़ी बार मंगोलियन इन्वेजन हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो कालक्रम के रूप में आपको व्यवस्थित करना है। पहला मसूद, दूसरा बहराम, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश, फिर उसके बाद आपका आएगा बहराम, फिर उसके बाद आपका मसूद, और फिर लास्ट में आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो 4-2-1-3 आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको तीन कथन दिए गए हैं। पहला, सुल्तान के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल अथॉरिटी थी, अर्थात पॉलिटिकल मिलिट्री अथॉरिटी इस समय में सुल्तान के पास होती थी। सेकेंड, जो लीगल अथॉरिटी थी वो कुछ जो भरोसेमंद नोबल्स थे, अमीर थे, उनको दे रखी थी ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके अच्छी तरीके से। तीसरा है, उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट कानून नहीं था इस वक्त। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सी आंसर है। सेकंड इसलिए नहीं है क्योंकि सुल्तान ही वो शक्ति थी जिसके पास पॉलिटिकल, लीगल, मिलिट्री हर प्रकार की शक्ति उसी में निहित थी, किसी को उसने बंदरबांट नहीं की हुई थी। अगला क्वेश्चन है मध्ययुगीन काल का, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। दीवाने रिसालत अर्थात अपील विभाग, दीवाने खैरात पेंशन विभाग, दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने कोही आपका कृषि विभाग। तो इसमें 1, 3, 4 आपके करेक्ट हैं। सेकंड करेक्ट नहीं है क्योंकि दीवाने खैरात का मतलब होता है, खैरात मतलब दान दक्षिणा करना, तो दान विभाग का मतलब है दीवाने खैरात, और पेंशन विभाग को कहते थे दीवाने इस्तियाक। तो सही आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, दीवाने बंदगा किस चीज़ को संदर्भित करता है, दान विभाग, कृषि विभाग और गुलामों का विभाग या वित्त विभाग। तो दीवाने बंदगा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, दासों का विभाग, गुलामों का विभाग। अगला क्वेश्चन है, मिडाइवल हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिकदार ये हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता था, वली ये हेड ऑफ प्रोविंस होता था, और खुत जो हेड ऑफ विलेज होता था उसको कहा जाता है। तो ये तीनों ही सत्य हैं, जो खुत है गांव का मुखिया, वली है किसी राज्य का हेड, मान लीजिए राज्यपाल, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिकदार अर्थात जिलाधिकारी DM। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत कला और वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है, दोहरी गुंबद का निर्माण लोदी वास्तुकला का मुख्य विशेषता थी। सेकंड, तुगलक काल की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तुगलक बिल्डिंग्स, उनकी जो दीवारें हैं उसमें आपको स्लोप दिखाई देगी, और इसके साथ साथ उसको गहरे रंगों के साथ चित्रित किया गया है। तो दोनों ही आपके कथन सत्य हैं, आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की अवधि के दौरान तुर्की विजेताओं के द्वारा नई नई विशेषताएँ लाई गई स्थापत्य कला में। तो उसमें गुंबद, ऊंचे टावर और बीम के द्वारा असमर्थित एक आर्क बनाया जाता था, और फोर्थ है मेहराब। तो ये चारों ही चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक नामा किताब के लेखक कौन थे, तुगलक नामा को लिखा था अमीर खुसरो ने, तो आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, किताबुल रेहला के लेखक कौन थे, तो इसको इब्न बतूता ने लिखा था, तो आंसर है इसका बी। इसके बाद है, चचनामा किसने लिखी, तो ये अबू बकर ने लिखी थी। इसके बाद है, किताफे तहफीक तहकीक इसे अल बरूनी ने लिखा था, तो ए आंसर है इसका। इसके बाद जो चचनामा बुक है जिसको अबू बकर ने लिखा है, ये किस चीज़ के बारे में बताती है, ये बेसिकली सिंध प्रांत का जो इतिहास है उसके बारे में बताती है, तो आंसर है इसका बी। इसके बाद नेक्स्ट है, जो अल बरूनी थे उन्होंने जवाहर फिल जवाहिर लिखी, ये किस चीज़ के बारे में बताती है, तो ये मिनरोलॉजी
क्या खनिज मिलते हैं भारत में उसके बारे में बताती है। तो ए आंसर हुआ इसका। अलबरूनी ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब फित हकीक। तो ये पुस्तक बताती है खगोल विज्ञान के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। सॉरी, ये जो इंडियन साइंस थी अर्थात भारतीय विज्ञान उसके बारे में बताती है। तो इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है हसन निजामी के द्वारा लिखी ताजुल माथिर बुक किस से संदर्भित है, क्या किसके बारे में बताती है। तो ये गुलाम राजवंश के बारे में बताती है। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक बहमनी साम्राज्य के बारे में बताती है। तो पहला ऑप्शन है फुतुह उस सलातीन, ये आपका सही ऑप्शन है, ये बुक बहमनी साम्राज्य के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में, मिडावल हिस्ट्री में कौन कौन से थे। तो उसमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। सेकेंड, जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो डेक्कन से साउथ ऑफ द बहमनी किंगडम तक विस्तारित था। तीसरा, इस काल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में तीन डायनेस्टी हुई, संगम, सुलुव और तुलुव। तो इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर है इसका 1 और 2। तीसरा करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस काल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में चार डायनेस्टी हुई थी, संगम, सुलुव, तुलुव और अरविदु। अगला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से ही है रिलेटेड। पहला है बहमनी राजवंश विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। दूसरा, देवराय संगम वंश में पहले थे जिसने सिंचाई क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने शहर में जाने वाली नहरों के साथ तुंगभद्रा पर एक बांध बनाया था। तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य से अलग था, उसका हिस्सा नहीं था। तो आंसर होगा इसका बी, सेकेंड। अगला क्वेश्चन है रायचूर दुआब किन दो नदियों के बीच में था। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो भाग है उसको रायचूर दुआब कहते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में राजवंशों के कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, संगम राजवंश, तुलुव, अरविदु और सुलुव। तो सबसे पहले है आपका संगम, फिर सुलुव, फिर तुलुव और फिर अरविदु, अर्थात 1, 4, 3, 2, 3। तो ये ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगम वंश से ही संदर्भित। पहला है संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय ने बड़े पैमाने पर सेना में मुस्लिम घुड़सवार पुरुषों और तीरंदाजों को रोजगार देने का काम आरंभ किया था। दूसरा, देवराय द्वितीय के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था डिंडिमा। तो ये दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है सुलुव डायनेस्टी से संदर्भित। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस वंश के संस्थापक सुलुव नरसिंह थे। दूसरा, वास्को डिगामा तुलुव राजवंश के शासनकाल के दौरान कालीकट में आया था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि वास्को डिगामा सुलुव डायनेस्टी के टाइम में ही आया था। तो इसलिए आंसर है इसका बी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। पहला है तुलुव राजवंश के शासक में से एक बाबर के समकालीन थे। दूसरा, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या आंध्र पितामह के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है, आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन भी विजयनगर साम्राज्य से है। पहला, कृष्णदेव राय के समय कई पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए थे और विजयनगर की यात्रा की थी। सेकेंड, कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की जिसका अर्थ है यवन साम्राज्य का पुनर्संस्थापक। तो दोनों ही इसमें सत्य हैं, आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है जिसमें पहला है नयनकर प्रणाली प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। दूसरा, इस अवधि के दौरान आयंगर प्रणाली गांव प्रशासन की विशेषता थी। और थर्ड है, गांव के बेहतर प्रशासन के लिए गांव मामलों का आयोजन करने के लिए एक बॉडी होती थी जिसमें अधिकतम 5 सदस्य होते थे जिनको आयंगर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरे स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है कि जो आयंगर होते थे वो बेसिकली कार्यकर्ताओं का एक समूह था जिसमें 12 सदस्य होते थे, उनको आयंगर कहते थे। और ये क्या करते थे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में जो गाँव के विषय हैं उनसे संबंधित विषयों पर कार्य करते थे। तो इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर 5 है, 5 की जगह 12 होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में साउथ इंडिया में वराह या पगोड़ा किस शब्द को संदर्भित करता है। तो वराह या पगोड़ा
जो विजयनगर शासकों के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे गोल्ड कॉइन्स, उनको कहा जाता था। तो ये आपका बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में टार शब्द को किस लिए प्रयोग किया जाता था? टार का मतलब होता था जो चांदी का सिक्का हो, अर्थात वराह या पगोडा, वो गोल्ड कॉइन हुआ, सिल्वर कॉइन, टार हुआ, और यहाँ पर एक कॉपर का भी कॉइन था, तांबे का सिक्का, जिसको जीतल कहते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के समाज से संदर्भित है। तो पहले इसमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है कि कुछ उत्तरी साम्राज्यों की तरीके से, जो कि प्राचीन इतिहास में वुमेन्स को भी रोजगार देते थे, उनको भी नियुक्त करते थे अलग अलग पदों पर, उसी प्रकार से मिडाइवल इंडिया में विजयनगर में महिलाओं को भी एम्प्लॉयड किया गया था राज्य की सेवाओं के लिए। सेकेंड है, महिलाओं को योद्धा बनने की अनुमति नहीं दी गई थी, युद्ध नहीं करने की परमिशन थी, वो स्टेट के लिए काम कर सकती थी और डोमेस्टिक पर्पजेस के जो वर्क होते हैं उनसे संबंधित कार्यों को वो करती थी। तीसरा है, इस काल में वुमेन का स्टेटस काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वुमेन्स को हर क्षेत्र में भागीदारी दी गई थी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो राज्य की कोई सेवा हो, या फिर घरेलू कार्य क्यों ना हो। तो यहाँ पर इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो आपका आंसर है इसमें ए, 1 और 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विजयनगर साम्राज्य के समाज से ही संबंधित है। तो पहला है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी विधवा पुनर्विवाह यहाँ पर प्रचलित नहीं था। दूसरा, इस अवधि में सती को सहगमन भी कहा जाता था। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये एकमात्र राज्य है मिडाइवल हिस्ट्री का जहाँ पर विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया था और वुमेन्स की जो सोशल स्टेटस था उसको भी बढ़ावा दिया गया था, और सती को यहाँ पर सहगमन कहते थे। तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड आंसर होगा बी। अगला है, मध्ययुगीन काल में दक्षिण भारत के राज्य के संदर्भ में बेसबाग किस शब्द को संदर्भित करता है? बेसबाग मतलब जो फोर्स्ड लेबर्स हैं आपके, जबरन मजदूरी जिनसे कराई जा रही है, तो इसके लिए विजयनगर के काल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक इंजीनियर था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिप, उसने सबसे पहले 1800 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को दिखाया जो कि हम्पी में अवस्थित हैं। सेकेंड, वास्तुकला में उपयोग की जाने वाले स्तंभों की बड़ी संख्या विजयनगर साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। तीसरा, गाय को पवित्र पशु माना जाता था और ये इस साम्राज्य के वास्तुकला के प्रत्येक स्तंभ में दर्शाया गया है। तो इसमें सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, पहला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि जेम्स प्रिंसिप वो इंजीनियर नहीं था जिसने हम्पी में विजयनगर के अवशेषों की खोज की थी 1800 ईस्वी में, वो थे कॉलिन मैकेंजी। और सेकेंड आपका करेक्ट है, थर्ड करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस काल के प्रत्येक पिलर में गाय की नहीं बल्कि घोड़े की आकृति दर्शाई गई है। तो इसलिए आपका आंसर है बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम में एक नई शैली को लाया गया जिसको प्रोविदा शैली कहा जाता है, तो ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है, तो आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला से संदर्भित। तो पहला है, उठा हुआ मंच के साथ मंडप या खुला मंडप इस साम्राज्य की एक विशेषता थी। दूसरा, हम्पी में विट्ठल स्वामी और हजाई राम मंदिर इस काल के महत्वपूर्ण मंदिर थे। तीसरा, विजयनगर के शासकों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कहानियों को लिखवाना आरंभ किया ताकि उस साम्राज्य के लोग जीवन की सरल वास्तविकता को जान सकें। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि विजयनगर के शासकों ने रामायण और महाभारत की कहानियों को लिखवाने का कार्य आरंभ किया था ताकि लोग जो जीवन की वास्तविकता है उससे समझ सकें। तो इसमें बौद्ध और जैन धर्म की बात की गई है, तो ये आपका स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाता है। तो आपका आंसर होगा इसमें ए, 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला है, बहमनी साम्राज्य से संदर्भित क्वेश्चन है। तो पहला है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वो इस वंश का संस्थापक था। सेकेंड, बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्ग थी। तीसरा, इस साम्राज्य के एक शासक ने बड़े पैमाने पर अपने प्रशासन में बहुत सारे हिंदुओं को शामिल किया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं,
तो आपका आंसर है इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि वर्तमान में व्यापार के लिए पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना है, वैसे ही प्राचीन काल में बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास के संबंध में आपको कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला है चौल और दाभोल, बहमनी साम्राज्य के दो इम्पोर्टेंट पोर्ट सेंटर थे। दूसरा, बहमनी साम्राज्य में व्यापार के लिए जो शिप आते थे वो मोस्टली पर्सियन गल्फ और रेड सी से होते हुए आते थे। तो ये दोनों ही आपके आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपके बहमनी साम्राज्य से संदर्भित है। तो पहला इसमें, अहमद शाह वली उन शासकों में से एक है जिसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिडार ट्रांसफ़र करी। सेकंड है, बहमनी साम्राज्य के जो कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबारी भाषा थी, वो थी पर्सियन लैंग्वेज, फारसी भाषा। और यह बहमनी साम्राज्य के अवधि के दौरान और साम्राज्य के बिखरने के बावजूद भी बाद में भी बनी रही। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनकी जो दरबारी भाषा थी वो दखनी भाषा थी, ना कि फारसी। तो इसलिए आपका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन बहमनी साम्राज्य के विघटन से संदर्भित है। तो पहला है, कुतुब शाह राजवंश के शासक में से एक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार बनवाई थी। दूसरा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये कुतुब शाह डायनेस्टी के फेमस रूलर थे और इन्होंने ही साउथ इंडिया में मद्रास नाम की एक सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद आदिल शाह, जो कि आदिल शाह डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने गोल कुंबस को बनवाया था। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी ओनली तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुतुब शाह डायनेस्टी के शासक ने हैदराबाद की स्थापना की थी और वहाँ पर चार मीनार का निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का नहीं कराया था। तो इसलिए आपका आंसर है यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो जो भक्ति आंदोलन का सिद्धांत है वो अनुष्ठान और धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन के आधार पर है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति देवता से जुड़ सके, अपनी जरूरतों के अनुसार अपने सरल जीवन को जी सके। दूसरा, भक्ति आंदोलन पहली बार उत्तर भारत से उत्पन्न हुआ था और फिर भारत के दूसरे हिस्सों में वो फैला। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है भक्ति आंदोलन, वो साउथ इंडिया में उत्पन्न हुआ था और साउथ इंडिया से पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ था। और भक्ति आंदोलन का जो सिद्धांत था वो इस बात पर आधारित था कि भगवान और मनुष्य के बीच का रिश्ता किसी भी अनुष्ठान और धार्मिक समारोह की बजाय प्यार और पूजा के माध्यम से होता था, न कि अनुष्ठान या धार्मिक समारोह से। तो इसलिए इसमें आपका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके भक्ति मूवमेंट से ही रिलेटेड है, जिसमें पहला है, भक्ति आंदोलन का नेतृत्व लोकप्रिय संत कवियों ने किया था जिनको अलवार कहा जाता है। दूसरा, अलवारों ने हमेशा वैष्णववाद के बौद्धिक पक्ष को पेश किया ताकि आंदोलन को वो तर्कसंगत बना सकें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि अलवारों ने तार्किक बात नहीं करी है, अलवार संतों ने वैष्णववाद के भावनात्मक पक्ष की पेशकश की है। इसलिए आपका आंसर होगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन भी आपका भक्ति मूवमेंट से ही संबंधित है। तो पहला है, भक्ति आंदोलन में पतन के बाद एक संत हुए जिनका नाम था आचार्य, उन्होंने 11वीं शताब्दी में वैष्णववाद के बौद्धिक पक्ष के साथ इस आंदोलन को पुनर्जीवित किया। सेकंड, रामानुज उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि रामानुज के शिष्य थे रामानंद, रामानंद ने उत्तर भारत में आकर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो इसलिए आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की विशेषता से संबंधित है। तो पहला है, बेहतर संबंधों के लिए अनुष्ठानों बलिदानों को बढ़ावा देना। दूसरा, दिल और दिमाग की शुद्धता पर जोर देना। तीसरा, भक्ति और मानवता को प्रोत्साहित करना। तो इसमें सेकेंड थर्ड करेक्ट है, पहला करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस बात को ही त्यागा गया था भक्ति आंदोलन में, अनुष्ठान और बलिदानों को त्याग दिया गया था, दिल और दिमाग की शुद्धता पर जोर दिया गया था और भक्ति और मानवता को प्रोत्साहित किया गया था। तो आपका आंसर है यहाँ पर बी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका भक्ति आंदोलन की विशेषताओं से ही रिलेटेड है ये। तो पहला है, इसकी जो प्रकृति है वो एकेश्वरवादी है। दूसरा, भगवान के पास या तो सगुण या निर्गुण रूप है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, आपका आंसर है इसमें सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके भक्ति आंदोलन की विशेषताओं से ही संबंधित है। पहला है, संत ने जो संत थे उन्होंने स्थानीय भाषाओं में अपना प्रचार प्रसार किया ताकि भक्ति आंदोलन और बाहरी लोगों के बीच बेहतर संचार हो सके, समझ बन सके। दूसरा, पुजारी वर्ग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तीसरा, भजन गायन पूजा का सबसे अच्छा रूप था। तो ये तीनों ही इसमें करेक्ट हैं, आपका आंसर है डी। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैत ये दर्शन शास्त्र किसने दिया? तो ये दिया था आपके रामानुजाचार्य ने, तो आंसर है आपका सी। अगला है, शुद्धाद्वैत के फाउंडर कौन थे? वो थे विष्णु स्वामी, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, भक्ति संतों के बारे में, तो गुरु नानक एक सगुण भक्ति संत थे जो कि सामाजिक सुधारक भी थे। सेकेंड, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। तीसरा, सिखिज्म के फाउंडर हैं गुरु नानक। तो सेकेंड थर्ड आपके करेक्ट हैं, पहला करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु नानक निर्गुण भक्ति के संत हैं, ना कि सगुण भक्ति के संत, और सोशल रिफॉर्मर वो थे ही, तो इसलिए आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके भक्ति आंदोलन से ही है। तो चैतन्य कृष्ण एक भक्ति पंथ के महान संत हुए, वो बंगाल में उन्होंने वैष्णववाद को स्थापना की, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आपका आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत प्रत्येक राज्य की एक पहचान का प्रतीक होता है, वैसे ही पुरंदरदास ने उत्तर भारत संगीत के एक आधुनिक चरण की नींव रखी थी। दूसरा, पुरंदरदास वैष्णव संत थे, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि पुरंदरदास ने कर्नाटक संगीत के आधुनिक चरण की नींव रखी थी, ना कि उत्तर भारत के संगीत की, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन कबीर के संबंध में है, तो इन्होंने जाति पंथ अनावश्यक अनुष्ठानों पर बल दिया, मूर्ति पूजा के समर्थक थे, अगला क्वेश्चन है भक्ति संतों से संदर्भित रामानंद के बारे में है, तो रामानंद उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत थे। दूसरा, उन्होंने जन्म जाति पंथ के किसी के भी आधार पर भेद नहीं किया और सबके लिए भक्ति के द्वार को खोला, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई वैष्णववाद की कृष्ण पंथ की प्रसिद्ध महिला भक्त संत थी। दूसरा, तुलसीदास सूरसागर से जुड़े हुए थे। तीसरा है, तुलसीदास वैष्णववाद की कृष्ण भक्ति पंथ का सबसे बड़े संत कवि थे, तो पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है सिर्फ, और दूसरा तीसरा इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि सूरसागर सूरदास ने लिखी थी, न कि तुलसीदास ने, और तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे, न कि भगवान कृष्ण के, इसलिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं है जिसमें ओनली वन है। नेक्स्ट है, असम में वैष्णव धर्म की स्थापना करने के लिए, वैष्णव भक्ति आंदोलन को फेमस करने के लिए शंकर देव ने वीणा उठाया था। सेकेंड, दादू दयाल एक सगुण भक्ति संत थे जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की, तो सेकेंड आपका करेक्ट है, सॉरी जो सेकेंड है वो आपका करेक्ट नहीं है, पहला करेक्ट है क्योंकि जो दादू दयाल थे वो निर्गुण भक्ति के संत थे, न कि सगुण भक्ति के, तो सेकेंड हटा दीजिए, आपका आंसर होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, उसमें पहला स्टेटमेंट है रामदास महाराष्ट्र के आखिरी महान संत कवि थे। दूसरा, दास बोध उनके लेखन और उपदेशों का संकलन है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर है इसका सी। अगला है सूफी आंदोलन के संबंध में, पहला इस्लाम एक सूफीवादी आंदोलन है। दूसरा, ईश्वर के साथ मिलकर सूफी आंदोलन का सिद्धांत जिस तेजी से और अनुष्ठानों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, अर्थात जो सूफी आंदोलन का सिद्धांत है उसका मतलब ये है कि भगवान के साथ आप फास्ट रख के और उनके रिचुअल्स को करके उनके साथ समावेश कर सकते हैं अपने आप को। तीसरा, इस मूवमेंट में जो ये सूफी मूवमेंट है इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो इसमें पहला दूसरा स्टेटमेंट क्लियर है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि सूफी आंदोलन में हिंदुओं का कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का रेफरेंस है उसमें, तो आंसर होगा आपका ए, वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सूफीवाद की विशेषताओं को लेकर, पहला, इसमें हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म जैसे सभी धर्मों के सभी प्रथाओं और विचारों को शामिल किया गया है। ये रूढ़िवादिता के खिलाफ था, निराश भौतिकवादी जीवन के
समर्थन के बात करते हैं, लेकिन ये पूर्णतः उसके त्याग के पक्ष में नहीं है। चौथा है डिवोशन टू गॉड, अर्थात भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। तो ये कुछ सूफिज्म के मेन फीचर्स हैं। तो ये चारों ही आपके करेक्ट हैं, तो आंसर होगा आपका डी। अगला है सूफी मूवमेंट से संबंधित। शेख बहादुद्दीन जकारिया सोहरावर्दी के संस्थापक थे। दूसरा, इन्होंने मुल्तान में भारत में पहली अग्रणी खानकाह की स्थापना की। तीसरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1406 ईस्वी में अजमेर में बसने वाले चिश्ती के संस्थापक थे। तो वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट थ्री इसमें क्या है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1406 ईस्वी में दिखाया गया है, बल्कि ये 1206 ईस्वी में अजमेर में बसने वाले चिश्ती के संस्थापक थे। तो इसलिए आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति और सूफी आंदोलन का योगदान के बारे में। भक्ति आंदोलन रूढ़िवादिता को हतोत्साहित करता है, जबकि सूफी आंदोलन ऐसा नहीं करता। दूसरा, अंतरधार्मिक बंधुता को बढ़ाया गया, उसका निर्माण किया गया। तीसरा, दोनों आंदोलन एक दूसरे से प्रभावित हुए और एक दूसरे से विरासत में कई गुणों को ट्रांसफर किया, एक ने दूसरे के गुणों को भी अपनाया, दूसरे ने पहले के। तो इसमें सेकेंड थर्ड आपका करेक्ट है। पहला करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ही आंदोलन रूढ़िवादी विचारों को हतोत्साहित करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा बी। अगला भी सूफी और भक्ति आंदोलन के योगदान को लेकर है। पहला है, भक्ति ने हिंदू धर्म में सुधार किया, भक्ति आंदोलन ने। दूसरा, सूफीवाद ने इस्लाम को उदारीकृत किया। और तीसरा, दोनों ही आंदोलनों ने सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित किया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपके आंसर है सी। नेक्स्ट है मुगल काल से संबंधित। पानीपत की दूसरी लड़ाई में भारत में मुगल वंश का शासन स्थापित हुआ जब उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दूसरा, बाबर पहला शासक था जिसने भारत में बारूद और तोपखाने का उपयोग किया। तीसरा, बाबर ने तुगलुमा और फ्लैंकिंग पार्टी अर्थात झुकाव पार्टी का एक सिस्टम अपनाया था युद्ध में। तो पहला दूसरा आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ऐसा हुआ था कि मुगल डायनेस्टी की स्थापना होने के लिए आरंभ हुआ था प्रोसेस। और सेकंड, बाबर वो प्रथम शासक नहीं था जिसने सबसे पहले बारूद का उपयोग किया हो या आर्टिलरी का उपयोग किया हो। जब तो सबसे पहले शासक कौन थे, वो थे विजयनगर के शासक जिन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया था भटकल के किले में। इसलिए इसका डी आंसर होगा, ओनली थ्री थर्ड स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड है। ये माना जाता है कि बाबर इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था वो, लेकिन वो सलाह के लिए शिक्षित लोगों को रोजगार देता था। सेकंड, खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को हरा दिया था। तो सेकंड करेक्ट है, पहला करेक्ट नहीं है क्योंकि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है रिसाले उसाज। तो अगर वो इलिटरेट होता तो वो कैसे लिख सकता था, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला है तुजुक बाबरी, बाबर की आत्मकथा है। ये केवल बाबर और तुर्की साम्राज्य के खाते का उल्लेख करती है, उनके बारे में बताती है। सेकंड, प्रारंभ में तुजुक बाबरी तुर्की में लिखी गई थी लेकिन बाद में इसे फारसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया था ताकि बहुत सारे लोग इसको पढ़ सकें। तो आपका सही कथन है इसमें सेकंड, पहला कथन सही नहीं है क्योंकि तुजुक बाबरी बाबर की आत्मकथा है और ये भारत और उसके साम्राज्य के उत्कृष्ट किस प्रकार से उसकी बढ़ोतरी हुई साम्राज्य के और भारत इनके बारे में बताती है, न कि टर्किश एम्पायर के बारे में। तो सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है तुजुक बाबरी आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसको बाबरनामा नामक फारसी भाषा में किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था, तो इसे किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है बाबर की कविताओं के दो संकलन हैं जो जिनमें से एक है दीवान जो तुर्की भाषा में है, दूसरा है मुवैयान जो फारसी भाषा में है। सेकंड, बाबर ने रिसाले उसाज इसको लिखा था। तो ये दोनों ही आपके कथन सत्य हैं, दीवान और मुवैयान ये दो कविताएं हैं जो बाबर ने लिखी थी, एक है तुर्की भाषा में एक है फारसी भाषा में, और इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रिसाले उसाज। तो आपका आंसर होगा सी। तो रिसाले उसाज किसको संदर्भित करता है, ये है बाबर के पत्रों के बारे में, लेटर्स ऑफ बाबर। तो आपका आंसर है बी। अगला है मुगल काल के संदर्भ में। पहला, एक दरबारी कवित्री थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम जिन्होंने बायोग्राफी ऑफ हुमायूं लिखी। दूसरा, दीन पनाह का किला बाबर के द्वारा बनवाया गया था
और बेहतर प्रशासन के लिए उसने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये दोनों ही आपके गलत हैं, क्योंकि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी जिसने उसकी जीवनी लिखी थी, ना कि वो दरबारी कवयित्री थी। और दीन पनाह किला हुमायूं ने बनवाया था बेहतर प्रशासन के लिए, और उसने इस किले को अपनी राजधानी भी बनाया था बेहतर प्रशासन के लिए। तो आंसर होगा आपका, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल से ही रिलेटेड है। मुगल साम्राज्य की अवधि के दौरान सूर साम्राज्य पहला उपनगरीय साम्राज्य था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। दूसरा, चौसा की लड़ाई और बिलग्राम की लड़ाई, ये दो लड़ाइयाँ थीं जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। तो सेकेंड आपका करेक्ट है, पहला करेक्ट नहीं है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के काल में के दौरान ही सूर साम्राज्य वो दूसरा उपनगरीय साम्राज्य था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। ये प्रथम या पहला उपनगरीय साम्राज्य नहीं था, तो इसलिए आपका आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है सूर साम्राज्य के बारे में। तो पहला है, प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में शेरशाह सूरी को एक सुधारक के रूप में माना जाता है, और उन्होंने निश्चित मानक और माप बनवाई थी, उसको पेश किया था। सेकेंड, अपने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शेरशाह सूरी ने बेहतर लेन देन के लिए रुपया नामक सिक्का भी जारी किया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, सूर साम्राज्य के शेरशाह सूरी से संदर्भित क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने कई हाईवेज बनवाए, कई सड़क मार्ग बनवाया, क्योंकि सड़क मार्ग हमेशा से कम्युनिकेशन संचार का एक साधन रही है, माध्यम रही है। सेकेंड है, उसने जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया जो लखनऊ से पेशावर जाती है। तो ये दोनों में से पहला करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये कलकत्ता से पेशावर जाती है, ना कि लखनऊ से। तो आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन भी शेरशाह सूरी से संबंधित है। पहला है, सूर साम्राज्य की अवधि के दौरान भूमि को मापा जाता था और औसत के 1/6 भाग को लैंड टैक्स के रूप में, भूमि कर के रूप में फिक्स किया गया था। दूसरा है, जो जमीन का पट्टा होता है वो किसानों को नहीं दिया जाता था। तीसरा, जमींदार लोग रिस्पॉन्सिबल थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो तीसरा आपका गलत है, पहला दूसरा सही है। तो आपका आंसर होगा ए, जमींदार लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, टैक्स कलेक्शन लोग स्वयं अपना देते थे, टैक्स डायरेक्ट कलेक्ट हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सूर साम्राज्य से ही संबंधित है। इस अवधि के दौरान छावनी एक स्वशासन जैसी एक व्यवस्था थी, विशेषता थी। सेकेंड, इस अवधि के दौरान संचार के माध्यमों में काफ़ी सुधार किया गया। तीसरा, इसमें स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय जिम्मेदारी के सिद्धांत की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, अपराधियों को खोजने में अगर विफल रहता था कोई तो मुकदम को दंडित किया जाता था। बेसिकली मुकदम को ही ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो अपराधियों को पकड़े, अगर वो अपराधियों को नहीं पकड़ पाता था तो उसको दंडित किया जाता था। तो ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन शेरशाह सूरी से ही रिलेटेड है। पट्टा और कबूलियत, ये उन किसानों को दिया गया था जो किसानों के अधिकारों को रखते थे और टैक्स देते थे लगातार। सेकेंड है, पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। तीसरा है, इस काल में लैंड टैक्स को फिक्स किया हुआ था। तो ये तीनों ही इसमें करेक्ट हैं, आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन है अकबर से रिलेटेड। तो 1560 से 1562 के बीच के दौरान ये माना जाता है कि उसका साम्राज्य को पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता था, पेटीकोट सरकार कहा जाता था उसे। सेकेंड है, इस वक्त मैरिज अलायंस चलते थे, अर्थात राजपूतों के साथ विवाह गठबंधन आम था। तीसरा, राजपूतों ने मुगल सेवाओं में शामिल होना स्वीकार कर लिया, लेकिन हमेशा राजपूतों को लोअर रैंक पर ही रखा जाता था। तो इसमें पहला दूसरा आपका सही है। पेटीकोट सरकार क्या, जब अकबर छोटा था तब जो उसे डिसीजन लेने चाहिए वो उसकी जगह कोई और लेता था, इसलिए उसे पेटीकोट सरकार कहा गया। और राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी आम थे, इसलिए अकबर का विवाह हरदाबाई से हुआ था। और तीसरा जो कहा गया है, राजपूत को मुगल सेवा में, राजपूत जितने थे उनमें से बहुत सारे राजपूत मुगल सेवा में हाजिर हुए, लेकिन उनको लोअर रैंक्स पर नहीं रखा जाता था, काफ़ी उच्च पद भी दिए गए थे जैसे राजा मानसिंह। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, आपका आंसर है इसमें ए। अगला भी मुगल काल से ही रिलेटेड है, जिसमें पहला है, अकबर ने रूढ़वादिता और कट्टरता के खिलाफ विद्रोह के रूप में दीने इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। सेकेंड, नया धर्म दीने इलाही एक अलग धर्म था
और इसको किसी भी धर्म से कोई भी विचार इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, अकबर ने दीन इलाही धर्म का निर्माण किया था, उसने ये उसका कंसेप्ट था। और इसमें उसने विभिन्न धर्म हिंदू, इस्लाम, जैन, ईसाई, बुद्ध सभी के अच्छे अच्छे तत्वों को उसमें शामिल किया था। तो इसलिए आपका आंसर होगा इसमें ए। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा घोषित दीन इलाही नया धर्म, इसको कई हिंदुओं ने अपनाया जिनके अकबर से बहुत अच्छे संबंध थे। दूसरा, इस अवधि के दौरान ये नया धर्म बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। तो दोनों ही गलत हैं। इस धर्म को सिर्फ और सिर्फ बीरबल ने अपनाया था और किसी ने नहीं अपनाया, इसलिए पहला और दूसरा आपका गलत है। आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है मुगल काल के संबंध में। अकबर कला का महान संरक्षण था संरक्षण करता था और उसके दरबार में कई व्यक्तियों को रखा गया था जो विभिन्न कलाओं में पारंगत थे। सेकंड, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, लाहौर का किला, ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी और आगरा किला और लाहौर किला ये तीनों ही चीज़ें अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, ना कि जहांगीर के द्वारा। तो आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जजिया का उन्मूलन इसकी मुख्य विशेषता है और अकबर द्वारा धर्मनिरपेक्षता के प्रति झुकाव भी इसके शासन की एक विशेषता थी। दूसरा है, मनसबदारी प्रणाली को अकबर के शासन की अवधि के दौरान लाया गया। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं। आंसर होगा इसका सी।